थाना बक्सेवानिया में काफी समय से वाहन चोरी की तलाश की जा रही थी। उसी प्रकार दिनांक 16 अप्रैल 2024 को फरियादी द्वारा शिकायत की गई कि उनके घर के पास दोपहर 2 बजे बगमनिया पर गाड़ी खड़ी थी, जो 5 बजे देखी नहीं मिली। शिकायत करने पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपों की तलाश शुरू कर दी गई है। लगातार वाहन चोरी की शिकायत आती है। सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी नलेश गिरी को धर दबोचा। पूछताछ करने पर आरोपी नलेश द्वारा बताया गया कि घूम घूम कर मनिहारी कान नाक छेदने का चार काम करते हैं और आरोपी को गाड़ी बदल बदल कर चलाने का शौक था एवं नशे का आदि था। नशे से ही आरोपी वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। आरोपी से लगभग 3 लाख रूपए का मशरूका बरामद किया गया है। सर, थाना बक्सवाने को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है सर। 4 मोटरसाइकिल सर चोरी की पकड़ी है सर। किस टाइप से ये वारदात को अंजाम देते थे सर? एक चोर है नीलेश, उसको गिरफ्तार किया गया है और इसने 4 मोटरसाइकिल अभी तक जब्त करा दी हैं, जिसने उठाकर कुछ जगहों पर छोड़ दी थी और नशा करने का सामान्य तौर पर आदी है और उसी की पूर्ति के लिए वो घर से अकेला भी है, कोई है नहीं माँ बाप, तो चोरियाँ करता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। 4 बाइक बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार किया। सर, आगे का कुछ और खुलासा होने की संभावना है सर? अब फिलहाल तो उसने जितना था वो बता दिया है, कुछ और फुटेजेस हम देख रहे हैं तो उसमें होगा तो निश्चित रूप से। लगभग सर किस किस जगह से इनने गाड़ी चुराई थी सर? बागसेवनिया की है, गोविंदपुरा है, अभिवन क्षेत्र है, मंडी रीप है। सर, किस टाइप से वारदात को अंजाम देते थे ये? ये अकेले खुद ही निकलता था और एक ही खुद देख लेता था जहाँ पर गाड़ी खड़ी है सुनसान स्थान पे, वहाँ से तोड़ करके ले आता। सर, गाड़ी पार्किंग के स्थान से या कहीं ऐसे गाड़ी को लोक वोक तोड़ते थे सर? कैसे कैसे उसमें कुछ? हाँ, गाड़ी का जैसे पहले उसमें एक गाड़ी जिसका हैंडल खुला हुआ था वो लेकर चला गया था, एक का लॉक तोड़ करके ले गया था, एक को रात में धक्का करके उसका आइडेंटिफाई